क्या हाल हेलो है बच्चा लोग। अब फिर से एक बार लॉकडाउन तो नहीं लगा, लेकिन हमारी संस्थाओं पे तो लॉक लग ही गया। बड़ी हिम्मत करके, आशा के साथ एक बार फिर शुरुआत हुई थी, लेकिन शायद अभी संघर्ष ज़्यादा लिखा है जीवन में। मैं अक्सर कहा करता था कि शिक्षा है, मैं शिक्षा का दान करता हूँ, हम लोग संस्था चलाते हैं, ये बिजनेस नहीं है। अक्सर मेरा डायलॉग हुआ करता था कि हम लोग बनिया नहीं है, टीचर हैं, कोचेज हैं। लेकिन सच तो यही है कि घर में रोटी यहीं से आती थी। तो बिजनेस ना हो, लेकिन जीने का आधार तो था ही, बल्कि है, था कहना ठीक नहीं है। किसी तरह से शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे रेंगते रेंगते संस्था दौड़ने की अवस्था में आई थी। आप लोगों का प्यार भी अच्छा मिला, ठीक ठाक आप लोग लौट के भी आए थे। लेकिन फिर अब कुछ बच्चे ये मैसेज किए थे कि सर हम लोग कमरा छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। कुछ बच्चे फ़ोन कर रहे थे, बल्कि मैंने एक आध को गुस्से में कह भी दिया कि अखबार पढ़ो बार बार, क्या पूछते हो कब खुलेगा। अवसाद की अवस्था है, आप समझ रहे हैं। मामला सिर्फ संस्था चलाने, पढ़ने पढ़ाने से नहीं, अब रोटी की भी। तो मैंने गुस्से में कह दिया, उसके लिए सॉरी। वो गुस्सा नहीं था, वो बेचैनी थी, आप समझ सकते हैं। और इस पर प्रतिक्रियाएं भी, लोग कुछ बच्चे मैसेज करें सर जिसका विरोध हो, ये हो वो हो। मुझे लगता है कि इस मामले में भी हम लोगों को थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा। वो कहा गया ना, तुलसी बाबा ने कहा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो अब क्या हो रहा है, कहीं चुनाव है तो वहाँ कोरोना नहीं है, तो ये नहीं है वो नहीं है, हम लोग भी व्यंग कर रहे हैं, तमाम मीम्स बन रहे हैं, चर्चाएँ पर चर्चाएँ। लेकिन हमें पॉलिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है, बीमारी है इसमें कोई संदेह तो है नहीं। अब इतनी सारी खबरें तो झूठी हो नहीं सकती। तो फिर भोजपुरी में हमारी एक कहावत है कि रही जीव तो खाई घीव, जिंदा रहेंगे सुरक्षित रहेंगे तो फिर से चीज़ों को खड़ा कर सकते हैं। और हो सकता है वो नीतियाँ कैसी हैं, कोफ्त तो है, गुस्सा है अंदर कि अगर एक साल तक जिंदगी को बिल्कुल स्थिर कर दिया गया था इसी कोरोना से बचने के लिए, और फिर हम उससे दुगने खतरनाक और घातक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, तो फिर उस एक साल में जिंदगी को बंद करने का मतलब क्या था। इस पे बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन वो हमारा काम नहीं है। सवाल ये है कि हम चिल्ला सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नीतियां तो नहीं बना सकते। हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एनर्जी हमें जिंदाबाद मुर्दाबाद ये करने में लगाने के बजाय अपने अध्ययन अध्यापन पे लगाइए। तमाम परीक्षाएं आपने फॉर्म भरी होंगी, आने वाली होंगी, देख ही रहे हैं, चुनाव होंगे, परीक्षाएं होंगी, भले पढ़ाई हो या ना हो, ठीक है। तो आप घर में सुरक्षित रह करके और चीज़ों को अपने तक सीमित रख करके और अपने को मजबूत करते चले, जंग न लगे, जरूरी ये है। इन्हों के पढ़ने की आदत ही भूल जाए बस विरोध में, और इसमें उतना ही गुस्सा मेरे अंदर भी है, तमाम प्रश्न हैं, लेकिन उन प्रश्नों को पूछने और चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपनी सरकार बेदर्द है चाहे ये है, मुझे किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलना है। बस मुद्दा ये है कि जो भी चीज़ें हैं झेलना आम आदमी को ही पड़ता है, तो हम लोग झेलें। अब नीतियाँ कैसी थी, क्या सफलता था, क्या असफलता थी, पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई दूध का धुला नहीं है। वो कहा गया है, किसी शायर ने कहा है कि एक हमाम में तब्दील हुई है सारी दुनिया, सभी नंगे हैं, किसे देख कर शर्माऊँ मैं। तो बस हम लोग आम आदमी हैं, द ब्लडी कॉमन मैन, जो हमेशा झेलने के लिए, संघर्ष करने के लिए ही बना है। हम लोग उसी में से आते हैं। बस ये कहूँगा कि अपने को सुरक्षित रखिए। और बहुत से बच्चे परेशान होंगे कि अभी एडमिशन लिया था, फीस जमा की थी, अब क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, आपने देखा साल भर पहले, सवा साल पहले जिन लोगों का एडमिशन हुआ था उनको हम लोगों ने बुला के पढ़ा ही रहे थे, आपके साथ पैरेलल की बैच चल रही थी,
आपके एडमिशन्स हुए हैं, आपकी फ़ीस जमा हुई है, वो सब के सब सुरक्षित हैं। आप जब लौटेंगे तो जहाँ से आपको छोड़ा गया है वहीं से शुरुआत की जाएगी, वहीं से पढ़ाया जाएगा, वैसे ही पढ़ाया जाएगा। आप सबका रिकॉर्ड हमारे पास है, आपके चेहरे में पहचानता हूँ, इसलिए आप परेशान न हों, आपकी दी हुई दक्षिणा का पूरा मोल आपको दिया जाएगा। बस हमारी मजबूरी है, हम क्लास वर्क के अलावा बाकी चीज़ों को लेकर के उतने सक्षम नहीं हैं। जैसे सरकार ने कह दिया कि ऑनलाइन क्लासेस चलाइए, तो भाई ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए संसाधन होने चाहिए। उस तरह से अब ये हमारी कमजोरी कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि हम उस तरह से डिजिटली इक्विप्ड नहीं हैं कि आपको हम लाइव क्लास दे पाएँ और फिर सारे टीचर्स को इकट्ठा करके सबकी क्लास चलवा पाएँ। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, अपने चैनल पर अंग्रेजी की कक्षाएँ मैं आपको लगातार जो भी संभव हो रहा है दे रहा हूँ, उसको देखिए। प्लस अपना जो टेलीग्राम का चैनल है, उत्थान द राइजिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उत्थान द राइजिंग के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, आप उससे जुड़िए। मैं वहाँ पे हमेशा आपको प्रैक्टिस सेट, कुछ स्टडी मटेरियल्स डालता रहूँगा और चैनल पे छोटे छोटे वीडियोज़ बना के डाल ही रहा हूँ, उससे आप जुड़े रहिए। 30 तारीख तक आदेश हुआ है, देखते हैं। अगर 30 तारीख के बाद भी ये समस्या जारी रही तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अपने तई कुछ भी व्यवस्था करके कैसे भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस की व्यवस्था करूँगा कि कम से कम रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश आपको मिले। ये मैं कोशिश करूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। अगर 30 तारीख के बाद भी हालात ऐसे ही रहे तो मैंने बात किया है सर्वेस से कि कोई उपाय करके, चाहे जैसे भी हो, आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की कक्षाएँ मिलती रहें, ये प्रॉमिस है। इसके लिए मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल 30 तारीख तक आप सहयोग करें, जहाँ हैं सुरक्षित रहें और पैनिक न हो। आपका एडमिशन हमारे यहाँ हुआ है, उसको लेकर आप निश्चिंत रहें। आप जब लौटेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से, आप अब हमारे हैं, हम उसका ख्याल रखेंगे। और पैनिक मत होइए, डिप्रेस मत होइए। डिप्रेस तो मुझे होना चाहिए, इतनी बड़ी संस्था, ये बिल्डिंग लेकर, किराया, भाड़ा, घर परिवार, सब कुछ, यहाँ तक कि बीसियों समस्याएं हैं। आर्थिक समस्या एक बड़ी समस्या होती है, वो हर बात नहीं कही जा सकती। हमसे मत पूछ मेरी कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो हैं समस्याएं, तो हैं चिंताएं, हैं चीज़ें हैं। अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों के बाद खाने की आफत आ जाएगी, इलाहाबाद में रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हर काली रात के बाद चमकता हुआ सवेरा आता है। मैं कई बार कहता हूँ, एक शेर किसी का कि माना कि गुलशन लुटा, नशे मन जला, पर चमन में कुछ तो बाकी निशा रह गया, तिनके चुन चुन के हम बना लेंगे आशियाँ, हौसला अगर हमारा जमा रह गया। तो हौसले को जमा रखिए, मजबूत रहिए और डरने की ज़रूरत नहीं है। इस काली रात का भी अंत होगा, सुबह होगी। बस परेशानियां हैं, मैं समझ रहा हूँ। कुछ बच्चे परेशान थे कि सर जी अब क्या होगा, नुकसान हो रहा, आगे एग्ज़ाम है, ये है वो है। तो ठीक है, स्वाध्याय भी कोई चीज़ होती है ना, जुटे रहिए। आप चैनल से जुड़िए, आप व्हाट्सएप से जुड़िए, फेसबुक से जुड़िए, उत्थान पेज से जुड़िए, अपनी समस्याएं भेजिए, हमसे बातें करिए, जो पूछना हो पूछिए, आप अपने क्वेश्चंस भेजिए, हम उसका समाधान करेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अपने बाकी टीचर्स को भी आपकी समस्याओं के लिए मैं प्रेरित करूँगा कि वो भी करें। और 30 तारीख तक बेटा खुश रहकर, पसंद रहकर इंतज़ार करिए, शायद मई तक चीज़ें सुधर जाएं। नहीं सुधरती हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि किसी भी तरह से आपको ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए व्यवस्था करने की कोशिश करूँगा। बाकी खुश रहो, देखो चेहरे पर चिंताएं दिख रही होंगी, परेशान हूँ, लेकिन इस परेशानी का हल यही है कि पॉजिटिव रहा जाए, खुश रहा जाए, सुरक्षित रहा जाए। और बीमारी है तो फिर उससे बचना पड़ेगा, कोई उपाय तो है नहीं। हम ऐसे देश में हैं जहाँ वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। तो बाकी नवरात्र का पहला दिन है आज, तो माँ जगदम्बा सबको सुरक्षित रखें, सबको खुश रखें। और रामनवमी आने वाली है, राम अत्याचारों पर विजय प्राप्त करने वाले, दुर्गुणों से लड़ने वाले, सर्वत्र खुशियाँ फैलाने वाले नायक माने जाते हैं। उनसे प्रार्थना करिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस नौ दिन के नवरात्र के बाद रमजान शुरू होने वाला है,
ईद आने वाली है, रमजान का पाक महीना, लाखों करोड़ों लोग निर्जल रह के ईश्वर के खुदा की इबादत करेंगे, शायद उनकी इबादतों का कुछ फ़ायदा मिले, मैया दुर्गा अम्बे की नौ रूपों का कुछ जलवा हो, कि चीज़ें दूर हों, हम फिर मिले। मैं भी व्यग्र हूँ, बेचैन हूँ, एक साल के बाद हम लोग शुरू किए थे, लेकिन ये दूरी बेचैन तो कर रही है हर तरफ से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, और पढ़ाने का वो जो कीड़ा अंदर है वो तो बेचैन है ही। तो प्रसन्न रहना, खुश रहना, और बीच बीच में जो वीडियोज पढ़ती जा रही हैं उनको देखते रहिए, जुड़े रहिए, और दुआ करिए कि 30 के बाद हम लोग फिर से नए जोश के साथ मिले, इस आपदा पर विजय प्राप्त करें और जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट, खुश रहो, मिलते हैं 30 के बाद, यही दुआ करिए। धन्यवाद।